हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट सेकंड में हमें पढ़ना है 1987 से। तो 1987 में क्या हुआ? आर वेंकट रमन बिकम द प्रेसिडेंट। तो 1987 में आर वेंकट रमन क्या बने? प्रेसिडेंट बने। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बिकम्स न्यू स्टेट। और 1987 में गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्या बने? नए स्टेट। उसके बाद आपका 1989 में क्या हो, जो वीपी सिंह थे, वीपी सिंह हमारा क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। केरला 1990 में क्या होता है? केरला बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। 1990 में ही केरला जो होता है वहाँ के सभी लोग क्या होते हैं? लिटरेट होते हैं, यानी कि सभी लोग पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। अगला है आपका चंद्रशेखर बिकम प्राइम मिनिस्टर। और चंद्रशेखर क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कम 1990 में। 1991 में क्या होता है? पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1992 में क्या होता है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। 1993 में लातूर में क्या आता है? अर्थक्वेक आता है और 1000 पीपल जो होते हैं वो मारे जाते हैं। 1994 में क्या होता है? सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स बनती हैं और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनती हैं। 1996 में क्या होता है? एच डी देवगौड़ा हमारे क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और के 1997 में के आर नारायण हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। आई के गुजराल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कब? 1997 में। अब 1998 में क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इंडिया कंडक्ट द सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। और इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है। साइक्लोन इन गुजरात किल्स नियरली 10,000 पीपल। और साइक्लोन से लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं, कहाँ पे? गुजरात में। 1994 में सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा किल्स नियरली 10,000 पीपल। और साइक्लोन की वजह से उड़ीसा में 10,000 लोग मारे जाते हैं 1999 में। और इंडियन फोर्स अचीव ग्लोरी विक्ट्री ओवर पाकिस्तानी आर्मी इन द कारगिल वॉर। और कारगिल वॉर में हम जो पाकिस्तान से लड़ाई होती है, हम इंडिया वाले जीत जाते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जीत जाते हैं। 2000 में क्या होता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड क्या बनते हैं? नए स्टेट बनते हैं। 2001 में गुजरात में आपका क्या आता है? अर्थक्वेक आता है जिसमें 30,000 पीपल मर जाते हैं, ठीक है। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और सुनामी हिट द इंडियन ओशन बेसिन एंड कॉजेस ग्रेट डिस्ट्रक्शन लॉस ऑफ लाइफ। और सुनामी आती है इंडिया में 2004 में इंडियन ओशन के बेसिन में, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे इंडिया में होता है। 2007 में क्या होता है? इंडिया मींस द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी। और 2007 में क्या होता है? आईसीसी का पहला T20 वर्ल्ड कप हम जीतते हैं। प्रतिभा देव सिंह पाटिल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और इंडिया के पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2008 में क्या होता है? अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीतते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में बीजिंग ओलंपिक चाइना में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक इंडिया द फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। और 2008 में मुंबई में आपको पता है कि ताज होटल पे हमला होता है, ठीक है। इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट मिशन टू मून चंद्रयान। और 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो होता है ये लॉन्च किया जाता है इंडिया की तरफ से मून के लिए। 2009 में होता है इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत। INS अरिहंत भी आपका जो सबमरीन है, देखिए INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। 2010 में क्या होता है? इंडिया होस्ट द XIX कॉमनवेल्थ इन दिल्ली। 19th जो कॉमनवेल्थ गेम होता है वो दिल्ली में होता है। पहला भी कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होता है? इंडिया में, दिल्ली में हुआ था। 2011 में सेंसस 2011 पुट इंडियाज पॉपुलेशन 1.21 बिलियन। इंडिया मींस 10th ICC वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ MS धोनी। और ICC का मेंस जो वर्ल्ड कप होता है ये किसने जीता था? इंडिया वालों ने जीता था। और उसके टाइम कैप्टन कौन थे? MS धोनी थे। प्रणव मुखर्जी 2012 में प्रणव मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया 6वां मेडल जीतता है आपका लंदन ओलंपिक में। फिर 2013 पे आते हैं, 2013 पे आते हैं
फ्लड्स इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश किल्स नियरली 10,000 पीपल। और बाढ़ आती है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जिसमें 10,000 लोग की मौत हो जाती है। 2014 में क्या होता है, तेलंगाना नया स्टेट बनता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं अभी भी, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो 2014 से लेकर अब तक पीएम कौन है, मोदी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड स्वच्छ भारत अभियान। और 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेंड स्पेसक्राफ्ट मंगलयान टू मार्स हर फर्स्ट अटेम्प्ट। और इंडिया 2014 में अपना मंगलयान भेजता है किस ग्रह के लिए, मंगल पे भेजने के लिए, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पहुंच भी जाता है। 2015 में क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च करते हैं क्या, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। 2016 द फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइट एयरक्राफ्ट तेजस इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। और 2016 में पहली इंडिया में निर्मित, मतलब अपने इंडिया के अंदर ही बनाई गई एयरक्राफ्ट थी, उसका नाम क्या था, तेजस। इसरो ने सक्सेसफुली 20 सैटेलाइट लॉन्च की एक सिंगल फ्लाइट में। और 2016 में क्या हुआ, इंडिया विंस 2 मेडल्स इन रियो ओलंपिक। और इंडिया रियो ओलंपिक में 2 मेडल जीतता है। डीमोनेटाइजेशन होता है 2016 में 8 नवंबर को। और 500 और 1000 की नोट क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। फिर 2017 पे आते हैं, 2017 में रामनाथ कोविंद जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करते हैं आयुष्मान भारत। और ये क्या था, जो इंडिया का दुनिया का बिगेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्या है, हेल्थ केयर स्कीम है। 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनी और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की। और ये किसकी मूर्ति है ये भी जानना ज़रूरी है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। 2019 में क्या हुआ, ए सुसाइड बॉम्बर रैम्स एक्सप्लोसिव लाड इन व्हीकल इन टू सीआरपीएफ कन्वे एंड किल अराउंड 40 सीआरपीएफ पर्सनल एट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए, एक सुसाइड बॉम्बर था, सुसाइड बॉम्बर सीआरपीएफ के 40 जवान मारे जाते हैं 2019 में। कहाँ पे मारे जाते हैं, पुलवामा में। पुलवामा के कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ में। अगला है, इंडियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉय टेरर कैंप्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान। तो इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान में लोगों को घुस के मारती है, ठीक है। नरेंद्र दामोदर मोदी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर अगेन। और मोदी जी दोबारा आपका क्या बनते हैं, 2019 में फिर से पीएम बनते हैं। बिफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। कब बांटा गया, 2019 में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव्स द वर्डिक्ट डिकेड ओल्ड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट इन अयोध्या बाई गिविंग द डिस्प्यूटेड लैंड एंड फॉर कंस्ट्रक्शन टेम्पल एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू अलॉट सुटेबल लैंड फॉर बिल्डिंग मॉस्क। तो देखिए, 2019 में जो राम मंदिर है उसके लिए ज़मीन अलॉट किया जाता है, और साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दी जाएगी। तो ये सब काम कब हुआ, 2019 में हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, 2021 में इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव कॉम्बेट 2019। तो देखिए, कोविड 19 के लिए आपका क्या हुआ, लॉन्च किया गया, ठीक है। कोविड 19 ये बीमारी का नाम है, और किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। किस इस वायरस का नाम है, कोरोना वायरस। इन टोक्यो ओलंपिक इंडिया विन 7 मेडल 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। और टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने कितने मेडल जीते, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति इंडियन आर्म फोर्सेज सक्सेसफुली इवैक्यूएट 800 पीपल आफ्टर कोलैप्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जब बनता है, इस पर तालिबानी जब हमला कर देते हैं, तो लगभग 800 लोगों को वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम कहता है, इस ऑपरेशन का नाम था देवी शक्ति। इंडिया फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत अलॉन्ग विद 13 अदर डाइस इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन कुनूर तमिलनाडु। और जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनका नाम है बिपिन रावत, ये क्या होता है, तमिलनाडु के कुनूर में इनके जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्रैश कर जाता है और इनके साथ 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 13 लोग शहीद हो जाते हैं। हरनाज संधू फ्रॉम चंडीगढ़ इस क्राउन मिस यूनिवर्स 2021। और हरनाज संधू चंडीगढ़ से हैं, जो 2021 में क्या बनती हैं, मिस यूनिवर्स बनती हैं। तो दोस्त, यहाँ पे हमने पढ़ लिया, 2 पार्ट में ये वीडियो था। अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए नमस्कार।